दिस वीक सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहे SRK, बट ऑफ कोर्स फॉर दी MCA एंड हिज ब्रॉल। वेंसडे की रात वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के बीच हुआ अलेज्ड स्कफल इस वीक का सबसे बड़ा बस क्रिएटर है। जहां वानखेड़े स्टेडियम में SRK और वहां के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के बीच हुई झड़प, तो पूरी मीडिया में आ गई हेडलाइंस अबाउट SRK बीइंग बैंड एट वानखेड़े फ्रॉम नाउ ऑन। For those who missed this hot news, आपको देते हैं a quick recap. SRK अपनी बेटी सुहाना और कुछ छोटे बच्चों के साथ पहुंचे थे वानखेड़े स्टेडियम। कहा गया कि मैच के बाद SRK tried to enter the field, और इस बीच वहां के ऑफिशियल्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बात झगड़े में बदल गई। यहां तक कि SRK की वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री को बैन करने तक की बात भी उस दौरान सामने आई। इस कॉन्ट्रोवर्सी पर अपना साइड मीडिया के सामने रखने के लिए SRK ने बुलाई खास कॉन्फ्रेंस उसी दिन, एंड ही डिफेंडेड हिमसेल्फ। गुस्से में कहीं ना कहीं कुछ तो कहा होगा, लेकिन वो लोग भी बहुत बदतमीजी से बातें कर रहे थे और मैं अकेला था, तो वो कुछ 20-25 उनके ऑफिशियल से एक्सट्रीमली डिस्टर्ब दैट दे शुड मैन हैंडल चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, एंड देयर इज नो राइट टू टच लिटिल गर्ल्स हु आर नॉट इवन 13 इयर्स ओल्ड फिजिकली। वहीं जब SRK खुद को डिफेंड कर रहे थे, दूसरी तरफ MCA के ऑनरी मेंबर उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे थे। बट सरप्राइजिंग बात ये है कि इतना सब होने के बावजूद SRK के शेड्यूल या लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं आया। थर्सडे 4 PM अपने घर मीडिया को बुलाकर किंग खान ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। 6 PM SRK ने किया एक कमर्शियल एड शूट। 9 PM एक दूसरा शूट करके किंग खान ने निभाई वेस्ट बंगाल के टूरिज्म को प्रमोट करने की जिम्मेदारी। सोर्सेस के मुताबिक इन शूट्स में किंग खान उन्हें लेकर चल रही कॉन्ट्रोवर्सी से अछूत ही दिखे, लेकिन जूम शाहरुख के दिल का पूरा हाल पता लगाए बिना कैसे रह जाता। तो हमने पता लगा ली वो बात जो शाहरुख को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी उस वक्त। शाहरुख से जुड़े सोर्सेस से पता लगा कि शाहरुख खान को इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पर मीडिया का एक तरफा रवैया हर्ट कर गया है। शाहरुख का मानना है कि वानखेड़े ब्रॉल में मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी गालियां देने की बात तो दिखाई गई, लेकिन किसी ने ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि आखिर उन्होंने ऐसा बिहेव क्यों किया। अपनी बेटी के मैन हैंडल होने पर किसी बाप को गुस्सा आ सकता है, और कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ। फिलहाल तो इस बीच MCA ने शाहरुख खान पर 5 साल का बैन लगा दिया है। वैसे अगर BCCI चाहे तो ये बैन हटा भी सकती है। तो ये पूरा ब्रॉल, इसके आफ्टर इफेक्ट्स और SRK का इस कॉन्ट्रोवर्सी को हैंडल करने का रवैया ले आता है उन्हें एट नंबर 2 ऑन अ काउंटडाउन।